हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। उम्मीदों के मुताबिक नए साल के पहले दिन ही देश भर को एक नया तोहफा मिला। बिल्कुल सही समझे आप, कोरोना के वैक्सीनेशन का तोहफा, वैक्सीन, पहली वैक्सीन देश को मिल गई। नाम है उसका कोविशील्ड। लेकिन ये वैक्सीन लोगों तक पहुंचे उससे पहले ड्राई रन का आयोजन देश भर में हो रहा है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस रिपोर्ट में देखें। लगभग एक साल बाद देश अब कोरोना से रण के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसकी शुरुआत आज वैक्सीनेशन से पहले आज देश के हर राज्य में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन से किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की निगरानी में देश भर में कुल 116 जिलों में 259 जगहों पर कोविड-19 वैक्सीन के लिए ड्राई रन होगा। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी राज्यों में शुरू होने वाले ड्राई रन को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने बताया कि कोरोना के खिलाफ जंग के लिए पूरी तरह से सरकार तैयार है, जिसके तहत पूरे देश में वैक्सीनेशन का ड्राई रन चलाया जाएगा। मैंने कहा कि एक नेशनल लेवल पर मास्टर ट्रेनर्स 2000 से ज्यादा बनाने के बाद अभी देश में स्टेट लेवल के ट्रेनिंग्स और 700 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल की लोगों की ट्रेनिंग और अभी इवन ब्लॉक लेवल पे, और ये एक प्रकार से जो सारी मुहिम है इसमें जो बेसिक जो इलेक्शन के समय हम लोग एक तरह से जितनी तैयारियां करते हैं, इवन एक बूथ के ऊपर भी जो टीम होती है उसकी भी अल्टीमेटली ट्रेनिंग होती है। इस वैक्सीनेशन ड्राई रन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की पैनी नजर रहेगी। देश भर में ड्राई रन के लिए टीम का गठन कर दिया गया है। हरियाणा के 2 जिलों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया जाएगा। इसके लिए पंचकुला में वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है। ड्राई रन का उद्देश्य टीकाकरण प्रक्रिया का परीक्षण करना है। पंचकुला के बाद साइबर सिटी गुरुग्राम में अगले हफ्ते वैक्सीन का ड्राई रन किया जाएगा। हरियाणा के साथ साथ राजधानी दिल्ली में 3 सेंटरों पर ड्राई रन किया जाएगा, जिसके लिए द्वारका के वेंकटेश्वर अस्पताल, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में दरियागंज डिस्पेंसरी और दिलशाद गार्डन में गुरु तेग बहादुर अस्पताल में ड्राई रन चलाया जा रहा है। उधर उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन चलाया जाएगा। यहां रोजाना 100 वैक्सीनेशन के ड्राई रन का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सहारा अस्पताल, आरएमएल अस्पताल, केजीएमयू सहित 6 केंद्रों पर तैयारी की गई है। बता दें कि नए साल का पहला ही दिन देश के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी लेकर आया, जब साल 2021 के पहले ही दिन भारत को पहली कोरोना वैक्सीन की मंजूरी मिल गई। सरकार की बनाई सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने पुणे की सीएम इंस्टीट्यूट में बन रही कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। अब देखना होगा कि वैक्सीनेशन के ड्राई रन के बाद कोरोना के खिलाफ आखिरी रण कब शुरू होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। रिपोर्ट के बाद आए हमारे साथ पूर्व निदेशक स्वास्थ्य सेवा हरियाणा से डॉक्टर पंकज वत्स जुड़ गए हैं। उनसे बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर पंकज, बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर आपका। सर, मैं देख रही हूँ पूरी तरह से पैक हैं आप, और अभी शायद आप हमारे साथ घर से जुड़े हैं और अभी भी आपने मास्क लगाया हुआ है। ये जो सचेत होना है ये हम बाहर लोगों में कम देख रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं नए साल में हरियाणा के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बधाइयां भी देता हूं कि हरियाणा सरकार ने ये तय कर लिया है कि सभी को 2019 में जल्द से जल्द वैक्सीन मिलेगी। जहां तक आपने मास्क लगाने और इसकी व्यवस्था की है, तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये संदेश देना चाहूंगा इस माध्यम से कि देखिए, इस समय टेम्परेचर 10, 11, 12, अभी इस समय भी जिस समय आप बातचीत हो रही है उस समय भी टेम्परेचर 12 डिग्री के करीब है जी। तो इस समय कोरोना वायरस से बचने के लिए जहां वैक्सीन जरूरी है वहीं पे आपको सर्दी से बचना जरूरी है।
देखेंगे आप, मैंने कान छाती और सब बचा के रखा हुआ है और मास्क लगाने से कोरोना से भी बचेंगे और ठंड से भी बचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त आपने वैक्सीनेशन पर आ जाते हैं समय में। डॉक्टर पंकज वैक्सीनेशन पे आ जाते हैं, जिस तरह से हम और भी तमाम तैयारियों के मॉक ड्रिल को देखते हैं, ये भी एक मॉक ड्रिल है क्या कि वैक्सीनेशन से ठीक पहले हम ड्राई रन करने जा रहे हैं आज से, तो ये किन मायनों में अहम है और कितना इम्पोर्टेंट वैक्सीनेशन से पहले? देखिए वैसे तो वैक्सीनेशन करने के बारे में भारत, लगभग पूरा भारत ही एक्सपीरियंस रखता है कि वैक्सीनेशन कैसे की जानी है, लेकिन जो पहले वैक्सीनेशन की गई है उसमें अभी हाल में जो वैक्सीन सबसे पॉपुलर वैक्सीन की थी वो हमने पोलियो की थी। पोलियो जो था वो ऑरल दिया जाता था और ये इंजेक्टेबल है जी, इसलिए हमें उसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। दूसरा ये था कि पोलियो जब देते थे तो एक ही दिन में हमें सारी पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर 0 से 5 साल के बच्चों को कवर करनी होती थी एक ही दिन में, लेकिन अब इसमें ऐसी व्यवस्था करने की, ऐसी भागदौड़ करने की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगी। अभी हमने जैसे हमने कुछ स्थान चिन्हित किए हैं, उन स्थानों पर ही वैक्सीन लगेगी। पहले हम गांव-गांव में जाकर और गांव में भी एरिया मोहल्ला डिपार्केट करते थे, 100-200 बच्चे जहां होते थे उन पर एक सेंटर बनाते थे, लेकिन इस समय हमें उससे ज्यादा ध्यान रखना होगा क्योंकि इंजेक्शन देने के बाद लगभग 30 मिनट के लगभग हमें उनको ऑब्जर्वेशन में भी रखना है, इसलिए ये इस समय कम स्थानों पर जैसे पहले पोलियो में गांव-गांव में मोहल्ले मोहल्ले में करते थे अब वो व्यवस्था नहीं होगी। जैसे कि मान लो हमने गुड़गांव का ही एग्जाम्पल लेता हूं, तो गुड़गांव जिले में अभी 121 स्थानों पर हमने चिन्हित किया है जहां पर ये वैक्सीन दी जाएगी। इसमें गवर्नमेंट स्कूल, आपके प्राइवेट स्कूल्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी सेंटर्स, मतलब जहां पर भी ऐसी सुविधा होगी कि मरीज को ऑब्जर्व भी किया जा सके और वहां पर ज्यादा भीड़ भी नहीं हो, समुचित स्थान मिले। चलिए मैं लौट रही हूँ आपके पास डॉक्टर पंकज, हमारे साथ डॉक्टर जसजीत कौर सीएमओ पंचकुला से इस वक्त फोनलाइन के जरिए मौजूद हैं। डॉक्टर जसजीत, पंचकुला से ड्राई रन की शुरुआत होने जा रही है, हालांकि गुरुग्राम का नंबर दूसरा है, किस तरह की तैयारियां हैं, क्या आप चीजें देख रही हैं इस ड्राई रन को लेकर? डॉक्टर जसजीत आवाज मिल रही है आपको? सुन पा रही हैं आप मुझे? चलिए आवाज नहीं पहुंची, हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर पंकज आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं और लोगों को मैं चाहती हूं कि जब आप जो बोल रहे हैं उससे एक संदेश जाए, लोग इस ड्राई रन के अर्थ को समझें, इसके महत्व को समझें। देखिए ड्राई रन जो है वो ड्राई रन हम स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां, जिला एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारियां उसके लिए ड्राई रन कर रहे हैं और जो नए चेंजेस किए हैं, जो नए मान लो हमने सालों से हम पल्स पोलियो दिए जा रहे थे तो लोग उसी तरीके से एक्लेमेटाइज थे, बहुत पहले वैक्सीनेशन हमने किया था इंजेक्शन देके, तो वो सारे स्वास्थ्य कर्मियों को सचेत करने के लिए और उसकी तैयारियां करने के लिए ड्राई रन किया जा रहा है। जैसे इसमें मान लो वैक्सीन आएगी, वैक्सीन आने के बाद कहीं एक बड़ा सेंटर बनेगा जहां डायरेक्ट वैक्सीन आके स्टोर होगी, हर जिले में एक बड़ा वैक्सीन स्टोरेज सेंटर बनाया जाएगा जहां पे जैसे कि यहाँ पे गुड़गांव में पटोजी में निश्चित किया गया है, वहां पे लगभग 2.5 लाख वैक्सीन स्टोर करने का सिस्टम क्रिएट किया गया है। वहां से फिर वैक्सीन जगह जगह पर जिस दिन वैक्सीन लगेगी उस दिन वहां से वैक्सीन जाएगी और जो बची हुई वैक्सीन है वो भी वहां पे आएगी और सेंट्रलाइज काम इस तरीके से होगा। चलिए मैं लौट रही हूँ आपके पास और भी विस्तृत बातचीत के लिए, हमारे साथ डॉक्टर जसजीत कौर सीएमओ पंचकुला इस वक्त फिर से एक बार हमने कोशिश की है कि ये जुड़े। डॉक्टर जसजीत आवाज मिल रही है आपको? डॉक्टर जसजीत फोन पर हैं आप? चलिए एक बार फिर से फोन डिस्कनेक्ट हो गया, ये दुखद है। हम जानना चाह रहे थे डॉक्टर पंकज की आज जो वैक्सीनेशन का ड्राई रन है उसकी शुरुआत पंचकुला से हो रही है तो वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं और क्या ड्राई रन शुरू हो गया है, लेकिन संवाद नहीं बन पा रहा है। आपके पास अगर ऐसी कोई जानकारी हो, जैसे आप बता रहे हैं कि एक बहुत ही स्ट्रेटेजी के साथ इस ड्राई रन को शुरू किया जा रहा है और ये इसलिए भी जरूरी है ताकि अध्ययन किया जा सके, लोग जो वैक्सीन लेने वाले हैं उनके डॉक्यूमेंट्स को लेकर भी कुछ किसी तरह की कोई जांच परख होगी इस ड्राई रन में, डॉक्टर पंकज?
नहीं, एक्चुअली क्या है कि इसमें कैटेगरीज हमने बनाई है। कैटेगरीज बनाने के बाद क्या है कि पहले ये मिलेगा स्वास्थ्य कर्मियों को, उसके बाद मिलेगा ये कोरोना वॉरियर्स को, उसमें आपके पुलिस कर्मी, सिविल डिफेंस, सशस्त्र सेना, बाल कर्मियों, तीसरे चरण में मिलेगा 50 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले बुजुर्गों को, और उसके बाद वैक्सीन सबके लिए ओपन हो जाएगी। तो ये इसलिए व्यवस्था की गई है क्योंकि लिमिटेड टाइम में लिमिटेड वैक्सीन ही लगाई जा सकती है, इसलिए उसको सिस्टम दे दिया ताकि भीड़ ना मचे। पहले से नाम रजिस्टर्ड होंगे और दो दिन पहले जो सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन इसकी हो रही है, और दो दिन पहले जहां पे वैक्सीन लगनी होगी उसके बारे में उस एरिया के लोगों को, जिन जिन को वैक्सीन लगनी है उनको सूचित किया जाएगा, और जहां पे लगनी है उस सेंटर को भी उनके बारे में सूचित किया जाएगा, और उसके बाद उनको इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट मिलेगा लगने के बाद कि इनको ये वैक्सीन लग गई है। ये सारी की सारी व्यवस्था सेंट्रलाइज की जा रही है ताकि पूरा डाटा अवेलेबल हो सके। जहां पर जो सेंटर बनेंगे वहां पर पहले वो आएंगे, वहां पर एक व्यक्ति उनका रजिस्ट्रेशन करेगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद वैक्सीनेटर वैक्सीन देगा, पुलिस कर्मी भी वहां पे एक उपस्थित रहेगा या डिफेंस कर्मी उपस्थित रहेगा। जी बिल्कुल, और विस्तार के लिए लौट रही हूं, हमारे साथ रवि काली रमन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से। उनसे पहले डॉक्टर जसजीत कौर हमारे साथ मौजूद हैं, सीएमओ पंचकुला। डॉक्टर जसजीत, इस दफा आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, आ रही है आवाज। पंचकुला से ड्राई रन की शुरुआत हरियाणा में होने जा रही है, हम जानना चाह रहे हैं किस तरह की तैयारियां हैं और क्या स्टेप्स लेने जा रहे हैं आप लोग? जी, हम आज कोविड वैक्सीन के लिए चार, हमारे दो रूरल और दो अर्बन साइट से ड्राई रन करने जा रहे हैं, जिसमें चार सेक्टर और आठ सेक्टर की डिस्पेंसरी है, और रायपुर रानी और कोट के हमारा पीएचसी और सीएचसी में ड्राई रन किया जा रहा है। और हमारा जो है इसमें सारी तरह पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के हिसाब से तैयारी कर दी गई है। हमारे सीनियर एसीएस हेल्थ भी आज इसका जायजा लेंगे थोड़ी देर में जी। और हमारा जो हर तरीके से जो वैक्सीनेटर्स हैं, टीम्स हैं, और जो हमारा कोल्ड चेन पॉइंट का सारा जिस तरीके से भी है सब तैयार है, और हर पूरी तैयारी उसी तरीके से की गई है जब, जैसे कि असल में जब करेंगे वैक्सीन उस हर रूम वैक्सीनेशन के लिए, उसके बाद हमारा ऑब्जर्वेशन के लिए और एएसआई मैनेजमेंट के लिए, और पुलिस विभाग और एडमिनिस्ट्रेशन का भी पूरा जो हमारे साथ सहयोग है, और इसको लेके हम आज हमारा कंप्लीट करेंगे ड्राई। इस ड्राई रन के कितने समय बाद, लगभग कितने समय बाद ये वैक्सीन लोगों की पहुंच तक होगी, कुछ बता पाएंगे आप डॉक्टर जसजीत? जनवरी एंड तक हमारे पास वैक्सीन आने की संभावना है, और डेटाबेस हमारा जो फर्स्ट फेज में है डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स का ऑलरेडी तैयार है, लगभग 6,000 के करीब लोग हमारे उसमें वैक्सीनेट किए जाएंगे, और उसके बाद जो हमारा दूसरे विभागों के जो लोग हैं उनका सेकंड फेज में, और तीसरे फेज में हमारे जो है 50 साल से ऊपर के, जिनका लिए सर्वे ऑलरेडी चल रहा है, और डायबिटिक्स और हाइपरटेंशन चौथी फेज में जो हमारे 50 के नीचे वाले, तो इस तरह से हमारा जो है चलेगा। चले, बहुत शुक्रिया वक्त दिया आपने, और इस तमाम बातचीत के लिए भी बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर पंकज, एक बार फिर मैं आपके पास लौट रही हूँ, पंचकुला की तैयारियों का भी आप जायजा सुन रहे थे कि क्या कदम उठाने जा रहे हैं पंचकुला के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये हमारे डॉक्टर्स, ये तैयारियां पर्याप्त है? हाँ बिल्कुल, ये तैयारियां पर्याप्त है, और अभी ये कुछ एरियाज में हो रहा है, लेकिन उन्हीं के माध्यम से ये सभी लोगों को एजुकेट भी किया जाएगा, सारे वैक्सीनेटर्स को, सारी टीमों को मीटिंग्स करके सभी को इसके बारे में जागृत किया जाएगा, जो गाइडलाइंस है। ये जो ड्राई रन हो रहा है ये उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की दृष्टि से देखा जा रहा है, जो हमारे पास गाइडलाइंस आई हमने उनको पढ़ा समझा, और अब परखने का समय है। तो जब ये हम करेंगे तो उससे हम बहुत सारी चीजों का हमें जानकारी प्राप्त होगी, लाइव जानकारी प्राप्त होगी, यानी वैक्सीन हमारे पास आई हमारे सेंट्रल स्टोर से निकल के कितने समय में वो गाड़ियों में पहुंची, कितने समय पे जहां पर लगाया जाना है वहां पहुंची, सभी लोग समय पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे, हमारा जो इसका रिकॉर्ड रखने का सिस्टम है वो अप टू डेट है कि नहीं है, वहां पे जो वैक्सीनेटर्स हैं उनको कैसे वैक्सीन लगानी है और उसके बारे में क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है उनकी जानकारी है या नहीं है, उसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होते, अगर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं
तो उस समय क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करनी है, उसके बाद उससे क्या निदान करना है। एक सवाल है कि ये कॉम्प्लिकेशंस अगर होती हैं तो तकरीबन कितने वक्त में ये कॉम्प्लिकेशंस पता चल पाएंगी वैक्सीन लगने के। इस सवाल के जवाब के लिए मैं लौट रही हूँ आपके पास, बने रहिए। रवि कालीरमन हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ड्राई रन को लेकर क्या अपडेट है रवि आपके पास? देखिए, ये सेक्टर 4 और 8 की डिस्पेंसरी में पंचकुला में 4 जगह होना है, 2 रूरल है और 2 अर्बन है। सेक्टर 4 और 8 की डिस्पेंसरी है और रायपुरानी और कोंट गांव में ये जो है ड्राई रन होना है। बेनिफिशियरी कौन होंगे? लगभग 12 बजे के आसपास से ये इसकी शुरुआत होनी है और स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए 24 नवंबर से जो तैयारियां थी वो शुरू कर दी हैं और ये इसका अंतिम रूप माना जा रहा है। जैसे ही कोरोना की वैक्सीन आती है और उसके लिए तुरंत जो भी जैसे जल्द से जल्द लोगों में कैसे पहुंचा जाए, ये उसकी एक तैयारी है। बिल्कुल, ये एक मॉक ड्रिल है, लेकिन इस मॉक ड्रिल में भी कुछ बेनिफिशियरी जरूर रखे गए होंगे इस ड्राई रन के लिए। क्या वो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ही हैं या कौन है? सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को जो वैक्सीन आएगी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को दी जाएगी, उसके बाद जो पुलिस और जो अन्य अधिकारी हैं उनको दी जाएगी सबसे बाद में, फिर उसके बाद ये आम लोगों 50 से ज्यादा उम्र के लोगों को दी जाएगी, उसके बाद आम लोगों के लिए खोला जाएगा। रवि लगातार चंडीगढ़ से आप रिपोर्ट कर रहे हैं। नए साल के शुरुआत में ही नई सौगात के साथ शुरुआत हो गई है कि वैक्सीन बन गई है, कोविशील्ड उसका नाम रखा गया। अब ड्राई रन भी आज से शुरू होने जा रहा है, लोगों के भीतर कितना उत्साह आप देख रहे हैं? एक खौफ जो कोरोना ने जहन में जगह बना ली थी, उस खौफ का खात्मा दिख रहा है क्या आपको? देखिए, इसमें जो खौफ था वो कहीं ना कहीं अब कम होता नजर आ रहा है लोगों में और इसके एक बड़ी वजह ये कोरोना वैक्सीन भी मानी जा सकती है और कुछ लोग यूज टू हो गए, सरकार की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो कर रहे हैं, मास्क लगा के चल रहे हैं, तो ये सारी एहतियात है जो वो लोग बरत रहे हैं और कहीं ना कहीं अब लोगों में ये भय कम होता हुआ नजर आ रहा है। इसके लिए भी स्वास्थ्य विभाग ने करीब करीब 700 गोल्ड चेन और सैकड़ों रेफ्रिजरेशन की व्यवस्था की है जो वैक्सीनेशन आएगी और लगभग 5154 जो वैक्सीनेटर हैं उनको ट्रेनिंग दी गई है और एक दिन में लगभग 5 लाख लोगों तक पहुंचने की जो सरकार की कोशिश है, लगभग 5 लाख लोगों को वैक्सीन दी जाए ऐसा सरकार प्रयास कर रही है। बहुत शुक्रिया रवि इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए वैक्सीनेशन पर और भी अपडेट के लिए, दूसरी सुर्खियों पर भी के लिए भी मैं लौटूंगी जरूर। डॉक्टर पंकज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर पंकज, आपने चंडीगढ़ से भी अपडेट अभी सुन लिया, आप बेहतर बता रहे हैं कि किस तरह से इस वैक्सीनेशन को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और ये ड्राई रन उसके लिए कितना ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को ही बेनिफिशियरी बनाया गया है कि आप बेनिफिशियर होंगे, इसे लेकर कुछ कहेंगे आप? नहीं, केवल स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को, उसके बाद स्वास्थ्य सेवाएं में ये गवर्नमेंट सेक्टर भी है और प्राइवेट सेक्टर भी है। यानी जो सबसे जो डायरेक्ट कांटेक्ट में पेशेंट के आता है या डॉक्टर समाज के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, जिससे दोनों को खतरा है। अगर डॉक्टर संक्रमित है वो अधिक से अधिक लोगों को संक्रमित कर देगा और पेशेंट अगर वहां आ रहे हैं तो किसी ना किसी पेशेंट से डॉक्टर को लग जाएगा और फिर दूसरों तक पहुंचेगा। इसलिए टॉप प्रायोरिटी जो है वो दी गई है डॉक्टर्स स्वास्थ्य कर्मियों को, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो। और थोड़ा सा हम वो ले लेते हैं, अगर कुछ उल्टा सीधा होना होगा तो उन्हीं के साथ हो जाएगा, उनको जरा जानकारी भी अपना बचाव भी कर लेंगे। तो यहाँ पर भी वो हमारे वॉरियर्स हैं, यहाँ पर भी वैक्सीनेशन के टाइम पर भी ये हमारे कोरोना योद्धा होंगे, न कि हम इन्हें बेनिफिशियर कहें। एक्सपेरिमेंट हो जाएगा इनके ऊपर और इसके लिए इन्होंने खुद को आगे रखा है। बिल्कुल, देखिए हम तो प्रेरणा ले रहे हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी से। अनिल विज साहब ने तो वैक्सीनेशन होने से पहले ट्रायल में ही अपने आप को समर्पित कर दिया। तो जब हमारे लीडर इस तरह का समर्पण भाव दे रहे हैं तो हम पीछे कहाँ रहने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल। इसमें प्राइवेट और सरकारी सभी चिकित्सा संस्थानों के लोग जुड़े। मैं इसी सवाल पे आ भी रही थी कि जो आखिरी चरण रखा गया है कि जब वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी, अभी तो खैर ड्राई रन है,
जब वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी तो सबसे आखिरी जो चरण है वो उम्र दराज लोग हैं या फिर वो लोग हैं जिन्हें कोई ना कोई बीमारी है, जैसे कोई डायबिटिक है या किसी को कोई और तकलीफ है, तो उन्हें सबसे आखिरी में रखने की वजह भी यही है क्या कि अगर उम्र के हिसाब से जो वर्गीकरण किया गया है उसमें अगर कोई दिक्कत आती है या बीमारियों की वजह से जो वर्गीकरण किया गया उसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो उन्हें उससे बचाया जा सके, क्या इसके पीछे ये मंशा है? नहीं नहीं उनको आखिरी में नहीं रख रहे, हम तीसरे चरण में रख रहे हैं। अच्छा, तीसरे चरण में 50 वर्ष या उसके अधिक आयु वाले बुजुर्ग नहीं, जिन्हें अगर कोई कंप्लेन है, कोई शिकायत है। सर उम्र के साथ सवाल ये भी था कि जैसे कोई डायबिटिक है या कोई हार्ट पेशेंट है, किसी पुरानी बीमारी से ग्रसित है, उनको आखिर में रखा है ना, तो इसके पीछे यही वजह है क्या कि पहले के जो चरण है उसमें एक्सपेरिमेंट हो जाएंगे तमाम? आखिरी नहीं है, तीसरे चरण में है। अच्छा, पहला चरण है संस्थाओं में, संस्थाओं से प्राइवेट, पहले डॉक्टर्स, उसके बाद पहले डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी, दूसरी स्टेज के अंदर जो हमारे कॉर्नर वॉरियर्स, ठीक है, जिनमें आपके पुलिसकर्मी, सिविल डिफेंस, सशस्त्र सेना, बाल कर्मचारी वगैरह बाकी रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद तीसरी कैटेगरी में है 50 वर्ष या उससे ऊपर के बुजुर्ग। अब आपने जो सवाल पूछा कि उनके बारे में क्या होगा, तो आप देखिएगा कि जो डॉक्टर्स हैं या स्वास्थ्यकर्मी हैं वो सारे स्वस्थ थोड़ी हैं, उनमें भी बहुत सारे लोगों को कोमॉर्बिडिटी है, उसमें भी डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, हार्ट के पेशेंट्स हैं, किडनी के पेशेंट्स हैं, तो उन तो ये जब उनको लग चुका होगा, ठीक है, बेनिफिशियरी की बजाय एक किस्म से आप देख लीजिएगा ट्रायल हो गया एक किस्म से उनके ऊपर, तो उस समय डॉक्टरों को पूरा पूरा आइडिया लग जाएगा, पूरी रिसर्च हो जाएगी कि बाकी कितने परसेंट प्रभाव कोमॉर्बिडिटी वाले पेशेंट्स को हो रहा है, कितना बेनिफिट हो रहा है। सर जब आप और हम ये बात कर रहे हैं, जब आप और हम ये बात कर रहे हैं डॉक्टर पंकज, तो हमारे दर्शकों के जहन में, एक एक ऑडियंस के तौर पर मेरे जहन में भी ये सवाल है कि इतना लंबा वक्त इंतजार करने के बाद 2021 में जाकर अब वैक्सीन का हमने नाम सुना और हम उत्साहित भी हैं कि वो हम तक पहुंचे, हमें मिले, लेकिन उसके बाद भी हम ये आकलन कर रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, कुछ रिसर्च हो जाएगा, कुछ पता चल जाएगा, क्या ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है? अगर है तो हम एक्सपेरिमेंट की बात क्यों कर रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा, नहीं अभी 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 क्या है कि जो हमने अभी जो ट्रायल्स किए हैं उसके लिए जितने लोगों को के ऊपर ट्रायल किया वो डाटा बहुत कम है हमारे पास, ठीक है, उस डाटा के हिसाब से इसकी एफिकेसी जो है वो कहीं 95% है, कहीं 65% है, कहीं 70% है अलग अलग वैक्सीन की। बिल्कुल। और जब ट्रायल किया जाता है तो कोशिश ये रहती है कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस पर ट्रायल नहीं किया जाए, उनकी जान खतरे में ना डाली जाए जी। लेकिन उसके बाद जब ट्रायल हो गया और जैसे जैसे ये संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम कॉन्फिडेंट होते जाएंगे। अब आप देखिएगा जब शुरू में कोरोना आया था तो हम कितने डरे हुए थे, बिल्कुल, पूरा विश्व कितना डरा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जानकारी बढ़ती गई, डाटा बढ़ते गए, लोग संक्रमित होते गए तो उनके बचाव के तरीके पता लगते रहे और फिर धीरे धीरे हम भय से विमुक्त हो गए। अब कोरोना के बारे में सावधानियां बरतनी है इतना हमारे को जानकारी है। तो इसी तरीके से जब कोरोना वैक्सीन का जो ट्रायल हुआ है वो बहुत छोटे से उस पर हुआ है, नंबर ऑफ पीपल पे। दूसरा ये है कि जहां ट्रायल हुआ है वो ट्रायल कुछ लिमिटेड एरियाज में हुआ, कुछ लिमिटेड तरह के लोगों पर हुआ, लेकिन अब ये वैक्सीन तो पूरे वर्ल्ड को, पूरे संसार को दी जानी है, तो इसलिए हर एक के प्रति पूरी जानकारी जो है वो हमारे को धीरे 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 हम और ज्यादा जानकारियां मिलती रहेंगी और ज्यादा हमें उसकी कॉशन प्रिकॉशंस रखेंगे। देखिए अभी भी हमने क्या कहा कि हम 30 मिनट तक उसको ऑब्जर्व करने के लिए वहां रखने के लिए बोलेंगे कि आप 30 मिनट वहां जरूर रुकिएगा। जी जी जी। वो इसीलिए रखा गया है कि हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को जैसे एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं और वो एलर्जी जो है किसी भी व्यक्ति को सूर्य के नीचे रहने वाली किसी भी चीज से एलर्जी हो जाती है, तो ऐसे में अगर कुछ लोगों की इतनी एलर्जिक टेंडेंसी है तो अगर इस वैक्सीन से कोई एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं, कोई एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन होती है, तो तुरंत प्रभाव से हम उसका निराकरण करें, उसको सपोर्ट कर सके, उसके उसके लाइफ थ्रेट को बचा सके। इसीलिए हमने कहा कि 30 मिनट तक अवश्य वहां पर उसको ऑब्जर्व करेंगे
और साथ में ऑब्जर्वेशन रूम बनाए हैं और जहां वैक्सीन लगेगी वहां डॉक्टर उपस्थित रहेगा और उसको जो भी कार्रवाई इमरजेंसी में करनी है उसके लिए पूरी व्यवस्था वहां पर करनी होगी। अगर कोई दिक्कत हुई परेशानी हुई तो उस पेशेंट को हायर सेंटर में शिफ्ट करने की भी जिम्मेवारी सरकार की होगी। बिल्कुल, और यही अगर मगर बाद में ना करना सारी व्यवस्था इसलिए कर रहे हैं। का ये ड्राई रन आज से शुरू होने जा रहा है देश भर में। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, वक्त देने के लिए डॉक्टर पंकज, बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ फिलहाल यहीं रुक रहे हैं, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।